चार दिन पहले सोमवार दोपहर को कार सहित चिनाब दरिया में समाये आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर, उसकी पत्नी और दो बच्चों में से एक उसकी पत्नी का शव बरामद हो गया। शव घटनास्थल के करीब 50 किलोमीटर दूर उधमपुर जिले के पंचहरी अंतर्गत पड़ने वाले तमनोत में दरिया से बरामद हुआ है। शव वीरवार रात को ही मिल गया था, लेकिन उसकी पहचान शुक्रवार की सुबह हुई। उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए रियासी जिला अस्पताल भेज दिया गया है। बता दें, बीते सोमवार को एक कार रामबन जिले के मेहाड़ इलाके में चिनाब दरिया में गिरकर लापता हो गई थी। कार में आरपीएफ इंस्पेक्टर राकेश कुमार भगत, उनकी पत्नी आशा, बेटे संचित और मेहुल सवार थे। हादसे के बाद से ही लापता कार और परिवार की तलाश की जा रही थी। लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम डीप डाइवर्स के साथ रामबन पहुंची। वीरवार को उन्होंने चिनाब में उतरकर लापता लोगों की तलाश करने का प्रयास किया, मगर तेज बहाव के कारण वे चंद फीट से आगे नहीं जा पाए।